सो हेलो गाइस, वेलकम टू वाइश आईएएस। माय नेम इज़ इशी एंड इस वाले वीडियो में हम क्लास 8 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी करने वाले हैं। बेसिकली हमें इस चैप्टर में जानना है कि जो कंपनी थी उसने अपना पावर कैसे इस्टेब्लिश किया ऑल ओवर इंडिया में। तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजल, जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे वाइस सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी। सो हमने पिछले वाले जब क्लास का हम हिस्ट्री करवा रहे थे क्लास 7th में, मैंने मुगल्स के बारे में बताया था, औरंगजेब के बारे में मैंने बताया था कि वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर हुआ करता था। उसके बाद में जितने भी रूलर्स आए बहुत ही वाहियात थे, उनमें वो खूबी नहीं थी कि वो उस गद्दी पे बैठ सकें। ठीक है, तो औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में। उसके बाद से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाता है, बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आ जाते हैं। उनमें से एक ये भी होता है कि जितने भी उस टाइम पे सूबेदार्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े ज़मींदार्स होते हैं, उन लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट कर लेते हैं वो लोग, और अपनी अथॉरिटी नहीं देते हैं किसी को। वो लोग कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं और हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ होता है। बट क्या होता है कि 1850 आते आते, मतलब यू कैन से बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी आते आते, मतलब वो 1850 के आसपास, एक ऐसी पावर उभर के आती है जिसने इंडिया को पूरे अच्छे खासे पॉलिटिकल लेवल पे उसने कंट्रोल कर रखा होता है। कौन सी पावर होती है? तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। हमें इस चैप्टर में उसी के बारे में जानना है कि ये बनी कैसे, कैसे आई। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अच्छा, ये हुआ कैसे? तो 1600 में क्या हुआ था, जो क्वीन एलिजाबेथ हैं उन्होंने एक कार्टर और चार्टर, आपको जो भी कहना है कह लो, उन्होंने एक चार्टर साइन करके दिया था। उसमें लिखा था कि हमारे लोगों को ईस्ट में जाकर के ट्रेड करने का पूरा अधिकार है, मतलब राइट टू ट्रेड दिया था विद द ईस्ट। तो उस पर उन्होंने साइन करके दे रखा था। उसमें एक ये भी था कि अगर ये लोग ट्रेड करने जाएंगे ईस्ट में, मतलब अगर नहीं, ये लोग जब भी ट्रेड करने जाएंगे तो बाकी जो यूरोपियन कंपनीज हैं इनके पास कोई नहीं जाएगा, मतलब इनको कोई कंपटीट करने वाला नहीं होगा वहाँ पे। ओके, सिंपल सा ये था उस चार्टर में कि ट्रेड करने का राइट मिला था ईस्ट में और अदर यूरोपियन जो कंपनीज थी वो इनको कंपटीट नहीं करेंगी, मतलब ये वहाँ पे इंडिपेंडेंट होकर के आराम से अपना ट्रेड कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे कोई यूरोपियन कंपनीज आई ही नहीं। आप देखोगे कि पोर्तुगीज़ जो थे वो सबसे पहले इंडिया में आए थे 1498 में ही, वास्को डी गामा, जिसको आप लोग कहते हो कि ये आप लोग सवाल गलत पूछते हो। एक्चुअली हु डिस्कवर्ड इंडिया नहीं होता है, इंडिया को किसी ने डिस्कवर नहीं किया था, इंडिया पहले से ही हमारा था। लेकिन हाँ, को डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया तो वो था हमारा वास्को डी गामा। ओके, 1498 में। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, ये अभी नॉर्मल टेक्स्ट बुक है वो क्लास 8 की, तो उतना डिटेल में नहीं जाना है। बट स्टिल जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना हायर क्लासेस में, तो उसमें हम बहुत ही इसको डिटेल में करवा देंगे। तो यहाँ पे वो टॉपिक नहीं है, यहाँ पे टॉपिक है कि उनमें राइट टू ट्रेड लिखा हुआ था ईस्ट के साथ में, एंड देन कोई उसको कॉम्पिटीट नहीं कर सकता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। बट पहले से ही वहाँ पे हमारे इंडिया में यूरोपियन कंपनीज थी, ऐसा नहीं था कि ये इकलौते आ गए थे फिर यही हमें लूट के चले गए, ऐसा नहीं था। सबसे पहले पोर्तुगीज़ आई, फिर उसके बाद डच, फ्रेंच, ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ये सारे के सारे थे। एंड जनरली अगर एक ही कंपनी, मतलब इतने सारे कंपनीज एक जगह पे रहेंगी, इतने सारे कंपनीज़ कुछ चीज़ें लेने के लिए एक्साइटेड हैं कहीं और से, तो कंपटीशन जनरेट हो गए होगा। इन लोग का क्या था कि ये लोग कंपटीशन को रोक नहीं पाए। एक्चुअली इन लोग को ये लगता था ना कि हमें राइट मिल गया है ट्रेड करने का और अब हमें कोई दिक्कत होगा नहीं, बट ऐसा हुआ नहीं कुछ। ये लोग कंपटीशन को रोक नहीं पाए बिकॉज ऑलरेडी पहले से ही मौजूद थी बहुत सारी कंपनीज, पोर्तुगीज़ वगैरह, ये सब पहले से ही थी इंडिया में। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था ना कि जो ये पोर्तुगीज़ वाले थे सब, और पोर्तुगीज़, डच, फ्रेंच, ईस्ट इंडिया कंपनी, जितने भी ये लोग थे ना, ये हमारे इंडिया से ना स्पाइसेस खरीद के लेके जाते थे लोग, यूरोप में लेके जाते थे लोग। पहले सोना चांदी हमें देते थे लोग, उसके बदले में मसाले खरीदते थे, उसके बाद अपने यूरोप में ले जाके उसको डबल कीमत पे वो लोग सेल करते थे, एंड ऑफकोर्स उसके बाद मुनाफा उन लोगों को, प्रॉफिट वगैरह हो जाता था। प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी ये कंपनीज थे ना, उनको बस एक ही चीज़ पसंद आती थी। ऐसा नहीं था कि इनको कुछ और पसंद आ गया तो दूसरी कंपनी को कुछ और नहीं, चाहिए सबको एक ही चीज़। उसमें क्या था, हमारे जो फाइन प्रोडक्ट होते हैं ना, कॉटन वगैरह, सिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, उनमें ये सब सारी चीज़ें थी सब। ओके, फिर मसालों में हमारा पेपर हो गया, सिनेमन हो गया, ये सारी चीज़ें थी हमारे मसालों में, तो उन लोग को यही सारी चीज़ें पसंद आती थी। ओके, सो बेसिकली इस वजह से ना हमारे इंडियन मार्केट्स में ना कंपटीशन जनरेट हुआ बहुत ज़्यादा। एंड ये कंपटीशन में अपना जगह सिक्योर करने के लिए बहुत सारे बैटल्स हुए हैं 17th and 18th सेंचुरी में। अगेन मैं कह रही हूँ, जब हायर क्लास की बुक देखेंगे उसमें हम लोग बिल्कुल ही डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें बस एक ओवरव्यू लेना है कि हुआ क्या था उस टाइम पे। तो ये मार्केट में अपनी प्लेस सिक्योर करने के लिए ना इन लोगों को बहुत ही सफ़र करना पड़ा, एंड सबको सफ़र करना पड़ा एक्चुअली। बस विनर कौन बना? ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसे बना फिर कभी बात करेंगे इसके बारे में। एंड 17th and 18th सेंचुरी में ना इसके लिए बहुत सारे वॉर्स वगैरह हो रखे हैं हमारी हिस्ट्री में।
एंड फिर उसके बाद में इन लोगों ने फोर्टिफिकेशन करना चालू कर दिया था। अच्छा, व्हाट इज़ फोर्टिफिकेशन? फोर्टिफिकेशन इन द सेंस कि अगर आप किसी घर में रह रहे हो, आपको डर है या फिर आपको मिलिट्री कैंपेन्स करने हैं, तो आप उस पूरे घर को कवर कर दोगे। अब वो आप किसी भी चीज़ से कवर कर सकते हो, मेनली जैसे घर बनते हैं ना वैसे ही कवर होते हैं वो भी, तो इसको कहते हैं फोर्टिफिकेशन। अगर आप किसी चीज़ का फोर्टिफिकेशन करवा रहे हो तो आपका मतलब है कि आपको मिलिट्री कैंपेन करना है, अदरवाइज आप नहीं करवाओगे। हाँ, अब ये लोग बहाना देते थे लोग कि हमें सेफ रहना है बाकी सारे कंपनी से, तो वो एक अलग बात है, बट पता सबको था कि इनका मिलिट्री कैंपेन करने के इरादे से ये लोग फोर्टिफिकेशन करवाएंगे लोग, ओके, क्योंकि ये लॉजिकल बात है, ये सभी को पता होता है। तो जब इन लोगों ने सेटलमेंट्स को अपने फोर्टिफाई करवाना शुरू करा, तो इससे वो लोकल रूलर्स के कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, क्योंकि अगर आप किसी के घर में रह रहे हो, उनसे बिना परमिशन के उनके घर का विंडो तोड़ दो या फिर उनके घर पर कुछ ऐसी वैसी एडिशन डिलीशन कर दो, उनको खराब लगेगा, वो तो घर से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये वैसे ही कर रहे थे कि हमारे इंडिया में आके हमारे ही साथ में हमारे लोकल जितने भी रूलर्स थे उनके बिना परमिशन के अपने सेटलमेंट को फोर्टिफाई कर रहे हैं, तो इस वजह से वो लोकल रूलर्स के साथ में भी कॉन्फ्लिक्ट में आ गए थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये लोग अपने आप को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर पाए, एंड इन लोगों को लगा कि अगर हमें इंडिया में ट्रेड करना है, अगर हमें प्रॉफिट चाहिए, तो हमें चीज़ों को मोनोपोलाइज करना शुरू करना पड़ेगा और हमें इन लोगों के इंटरनल मैटर्स में भी इंटरफेयर करना पड़ेगा। ये बात काफ़ी सिंपल सी है। तो इस तरीके से ना उन लोगों ने पहले बंगाल पे कंट्रोल करना शुरू किया। बंगाल में सबसे पहले उन लोगों ने अपनी फैक्ट्री सेटअप करी हुगली में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651। ओके, वहाँ पे अपनी फैक्ट्री सेटअप करी। वहाँ पे क्या था ना, एक वेयर हाउस हुआ करता था। वेयर हाउस मीन्स कि एक वेयर हाउस मतलब बहुत सारे रूम्स होते थे उसमें। मान लो कि इनका ये कहना था, क्योंकि इन लोगों ने ना इंडियंस को भी अब तक बोल रखा था कि आप हमारे लिए सामान खरीद के लाओ पूरे ऑल ओवर इंडिया से, मतलब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हमारे लिए मसाले वगैरह जो भी है खरीद के ले आओ, और बदले में हम आपको इतने पैसे देंगे या फिर कुछ भी। तो जो इंडियन लोग थे ना नॉर्मल से, जो जितने भी फार्मर्स वगैरह हुआ करते थे, जो पुअर पीपल हुआ करते थे, वो सब भी इनकी बात मानते थे, बिकॉज उनको तो पैसे मिल ही रहे हैं, तो सबको अपना पेट पालना है ना, तो वही सिस्टम था उस टाइम पे भी। बात करते हैं वेयरहाउस के बारे में। तो वेयरहाउस एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जितने भी स्पाइसेस थे, जितने भी जो कुछ भी ये लोग खरीद के ले आते थे, वो लोग वहाँ पे कलेक्ट करके रखते थे, एंड फिर वहाँ से लेकर के जितने भी क्वांटिटी में यूरोप भेजा जाना होता था, मतलब लेके जाना होता था वहाँ पे यूरोप में, तो वो लोग उतने क्वांटिटी में उस वेयर हाउस से निकाल करके सामानों को लेके जाते थे लोग यूरोप में, एंड वहाँ पे डबल प्राइस पे सेल करते थे लोग। ये कौन? अंग्रेज, मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। ओके, सो ये था कुछ लॉजिक वेयर हाउस का। एंड उसी वेयर हाउस में एक अलग से रूम हुआ करता था जहाँ पे कंपनी के ऑफिशियल्स जो हुआ करते थे, जो हेड हुआ करते थे, क्योंकि अभी जो हेड है ना वो तो जाएंगे नहीं खरीदारी करने ना, वो तो अपने एम्प्लॉयज़ को वो बोलेंगे कि आप जाके खरीद के ले आओ, ठीक है। उनकी भी अपनी रेपुटेशन थी, सबके पास अपनी अपनी डिग्निटी है, अपनी रेपुटेशन है, किसी को भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बर्बाद नहीं करना चाहिए, ना ही वो लोग करना चाहते थे। तो बेसिकली वो लोग लोगों को ना एम्प्लॉय करते थे कि आप जाइए, आप हमारे लिए ये करिए, बदले में हम आपको इतने पैसे देंगे, आपको इसका इतना परसेंट प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम था। तो उस वेयर हाउस में एक रूम भी हुआ करता था जहाँ पे ये लोग बैठ के डिस्कशन वगैरह किया करते थे लोग आगे अपने ट्रेड वगैरह के बारे में। फिर 1696 में ना इन लोगों ने जो सेटलमेंट था उसके अराउंड में फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। इस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई। फिर उसके बाद में इनको ज़मींदारी राइट्स मिल गई 3 गाँव की, ठीक है, बाद में इनको ज़मींदारी राइट भी मिल गई थी। उसके बाद में औरंगजेब ने एक फरमान इशू किया। सी, ये जो भी मैं बता रही हूँ ना कि ज़मींदारी राइट्स मिल गई थी 3 गाँव की, औरंगजेब ने फरमान इशू किया, वो ऐसे ही नहीं हो गया, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, वो बस अभी मैं एक समरी टाइप का बता रही हूँ, शॉर्ट ओवरव्यू ले रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल डू बेटर, ओके, जब हम लोग हायर क्लास की बुक पढ़ेंगे तब। उसके बाद में औरंगजेब ने ना फरमान इशू किया था, उसमें यह था कि कंपनी को राइट टू ट्रेड, मतलब वो ट्रेड कर सकती है बिना किसी टैक्स के, ठीक है, मतलब साल में एक बार इतना दे रहो और आपको जितना मर्जी हो उतना आप ट्रेड करते रहो। प्रॉब्लम इसमें ये हो गई कि जो ये औरंगजेब का फरमान था ना, इससे हो गया इकोनॉमिक क्राइसिस बंगाल में, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, रेवेन्यू जो थी ना बंगाल की वो लॉस में चली गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि जो औरंगजेब था ना उसने फरमान इशू किया था कंपनी के लिए, कंपनी ऑफिशियल्स के लिए नहीं, मतलब उसने कहा था कि आप कंपनी के लिए जो कुछ भी खरीद के लेके जाओ उसके लिए टैक्स मत पे करना। अब जो ये कंपनी ऑफिशियल्स थे ये खुद तो खरीदारी करते नहीं थे, मतलब खुद खरीदने नहीं जाते थे ना, वो तो लोगों को एम्प्लॉय किया करते थे ना कि आप जाओ खरीद के ले आओ, तो ये जो लोग जाते थे ना खरीदने के लिए इन पूरे ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, तो ये लोग ना अपना प्राइवेट ट्रेड भी करते थे, मतलब कंपनी का तो प्रॉफिट करवा ही रहे हैं, खुद का भी बेनिफिट देख रहे हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम हो गई। इस वजह से ना बंगाल का रेवेन्यू जो था वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में चला गया, और फिर आप देखोगे ना उसके वजह से जो जब ये रेवेन्यू जब लॉस में चला गया ना, तो फिर बैटल्स भी होने लगे।
जिसको हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ प्लासी के पीछे बहुत सारे रीजंस थे, ठीक है, तो उनमें से ये भी एक रीजन था, वो बंगाल का जो रेवेन्यू लॉस मैंने बताया ना, वो भी एक रीजन था। सी बंगाल में क्या इशू था कि 18th सेंचुरी में ना कॉन्फ्लिक्ट होने लगे थे नवाब्स, जो बंगाल के नवाब्स थे उनके और कंपनी के बीच में। औरंगजेब की डेथ के बाद में ना बंगाल जो प्रोविंस था उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट कर ली थी, वो उन्होंने अपनी किसी की अथॉरिटी मानने से मना कर दिया था, ठीक है। तो बंगाल में सबसे पहले रूल चलता था मुर्शीद कुली खान का, उसके बाद अलीवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला। बीच में सरफराज खान भी आए थे बट उतना वो टिक नहीं पाए, उस लायक थे नहीं, सो उनके बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल में दिया भी नहीं है। इन क्लास 8 की बुक में उनका तो नाम भी नहीं दे रखा, वो बस मैंने बता दिया। सो उसके बाद में आप देखोगे ना कि जो मुर्शीद कुली खान थे, अलीवर्दीन खान थे एंड जो ये सिराजुद्दौला थे ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट लीडर हुआ करते थे एट दैट टाइम के। उन्होंने जो औरंगजेब जब मर गया ना, तो जो फरमान वो उसने लिख के गया था, जो फरमान उसने साइन करके गया था, उन्होंने ये मानने से मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आप ट्रेड करना है हो, आप अपने टैक्स तो फिर ट्रेड करो। ये बात कंपनी वालों को पसंद नहीं आई एंड बाकी सारे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया हमारे जो बंगाल के नवाब से, उन्होंने कंपनी के ऊपर बहुत सारे अच्छे खासे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, और वो सही भी था लगाना, ठीक है, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ गलत कर रखा है। अब आप किसी स्टेट में रह रहे हो, आप वहाँ के CM हो या फिर आप मान लो इंडिया के आप PM बन जाते हो, अगर आपको दिख रहा है कि हमारा देश डूब रहा है, तो आप दूसरे का प्रॉफिट देखोगे या फिर अपना खुद का सोचोगे? तो वही हो रहा था उस टाइम पे भी, वो बंगाल के जो नवाब थे उनको अपना लॉस दिख रहा था, तो उन्होंने अपने बारे में सोचा, तो इन लोगों पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया इन लोगों ने, नवाब्स ने। और बदले में जो कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स थे वो भी मिसबिहेव करने लगे अच्छे खासे, पेइंग टैक्स जो था, मैंने बताया था ना कि टैक्स पे करना होता है, वो भी टैक्स पे नहीं करते थे। फिर वायाद से लेटर्स लिखा करते थे नवाब्स के लिए, ठीक है, वो ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते थे नवाब्स को और उनके ऑफिशियल्स को, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन था बैटल्स होने का। उसके बाद देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी हुआ कैसे। अभी इतने जो मैंने रीजंस बताए हैं उतने रीजंस काफ़ी नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं उसके। ओके, सो अब बात करते हैं द रियल बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। देखो, अलीवर्दी खान जो मैंने बताया ना, जो मुर्शीद कुली खान के बाद में आया था, इसकी हो गई डेथ 1756 में, ठीक है। उसके बाद नवाब बनता है सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब बनता है। तो क्योंकि ये तीनों ही बहुत ही एफिशिएंट रूलर होते हैं, तो जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना, वो चाहते हैं कि या तो ये सिराजुद्दौला हट जाए यहाँ से और इसके बदले में हम किसी अपोजिशन पार्टी को इसके बैठा दें ताकि हमारी बात माने, या फिर हम इससे नेगोशिएशन कर लें, ये हमारी बात मान ले, हमारे अथॉरिटी मान ले, हमारे अंडर में रूल करे, बस किंग ये नाम का किंग रहेगा। सिराजुद्दौला ने ये दोनों ही नहीं किया, ना ही वो चाहता था ये सब करना। हाँ, उसने नेगोशिएशन करने की कोशिश करी, उसने बोला कि आप हमारे इंडियन, हमारा जो बंगाल है, हमारा जो डोमिनियन है, आप उसके इंटरनल मैटर में अफेयर करना बंद करिए, आप अपने आप से मतलब रखिए, ट्रेड करने आए हो आप ट्रेड करो, आप हमारे बीच में इंटरफेयर मत करो, और फोर्टिफिकेशन करना बंद कर दो और टाइम टाइम पे रेवेन्यू दो। इसने नेगोशिएशन करने की हेल्प कोशिश करी थी बट हुआ नहीं। उसके बाद में जो ये सिराजुद्दौला था, अपने 30,000 सोल्जर्स को लेकर के ना, कासिम बाजार की फैक्ट्री थी, कासिम बाजार में फैक्ट्री सेटअप कर रखा था इस ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, वहाँ पे इसने ये गया और कंपनी के ऑफिशियल्स को पकड़ा, फिर वेयरहाउस में लॉक कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये एक इंसिडेंट है, ये वेयरहाउस में लॉक कर दिया, इसको ना ये फेमस है अपने हिस्ट्री में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से। ऐसा मतलब बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं ना, उन्होंने क्लेम किया है कि ये सच नहीं है, बहुत सारों ने इस पर बहुत सारे अपने कमेंट पास किया, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सच है कि नहीं, क्योंकि इस पर डिबेट कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। तो इसको मेनली बहुत सारे जितने भी हिस्टोरियंस हैं ना, उसने मनाई कर रखा है कि नहीं ये हुआ नहीं होगा, बट स्टिल मैं बता देती हूँ हुआ क्या था। तो ऐसा लोग कहते हैं कि जब ये सिराजुद्दौला आ रहा था अपने सोल्जर्स को लेकर के कासिम बाजार वाली फैक्ट्री पे, तो इसने जो कंपनी के ऑफिशियल्स को, बहुत सारे लोगों को जब कैप्चर किया ना, तो उसने एक वेयरहाउस में लॉक कर दिया, और उसने शायद ना कोई गैस वैस लीक कर दी, तो उसने लॉक कर दिया। उसके बाद अगेन मॉर्निंग में उसने जब वो डोर ओपन करा, तो 95% लोगों की डेथ हो गई थी। ओके, सो इस पूरे ट्रेजेडी को नाम दिया गया द ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है, सफोकेशन से लोग मर गए थे। अब ये कितना सच है कितना नहीं, इस पे मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इस पे आज भी डिबेट ही है, वो किसी को नहीं पता है, बट स्टिल हमारे सिलेबस में तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो मैं ये बता रही थी कि कासिम बाजार वाली फैक्ट्री में गया, कंपनी के ऑफिशियल्स को वहाँ पे इसने कैप्चर करा, वेयरहाउस में लॉक कर दिया इसने। यहाँ तक इंसिडेंट सही है। अब वेयरहाउस में लॉक करने के बाद वाला जो मैंने बताया ना कि गैस चैम्बर लीक कर दिया था या फिर इतने लोगों की मौत हो गई थी, ये इस पे हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं कि ये हो सकता है रॉन्ग हो, ठीक है, मैं इस पे कुछ नहीं कह रही हूँ, तो यहाँ पे कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में ये कलकत्ता में गया, वहाँ पे भी कंपनी ने अपने फोर्ट एस्टैब्लिश करे थे, वहाँ पे जब कंट्रोल करने गया तो इसकी न्यूज़ मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को, जो मद्रास में बैठे थे। अब वो मद्रास में बैठे थे, अपने ऑफिशियल्स को रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में बहुत सारे सोल्जर्स लेके भेज दिए, ठीक है। अब रॉबर्ट क्लाइव था बिल्कुल डिप्लोमेटिक,
वो इतनी चालाकी करता था, उसको पता था कि अगर मैं यहाँ पे नहीं जीत पाऊँगा तो मेरा दिमाग है वो मुझे जिता देगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक चाल चली, कॉन्स्पिरेसी चली, इसने रॉबर्ट क्लाइव ने कहा सिराजुद्दौला की सेनापति का नाम था मीर जाफर, उसको बोला कि आप इसमें पार्टिसिपेट मत करना, बदले में हम आपको राजा बना देंगे। मतलब लालच दे दिया पैसे का, किंग बनने का। तो जब ये दोनों आमने सामने आए ना प्लासी के प्लासी वाले एरिया में, प्लासी एक जगह का नाम है, इसको पलाशी कहा जाता था पहले, अभी इसको प्लासी कहा जाता है। तो जब रॉबर्ट क्लाइव के जितने भी सोल्जर्स थे और जो ये सिराजुद्दौला के जितने भी कमांडर्स थे वो आए ना आमने सामने, तो वो जो सिराजुद्दौला के कमांडर्स थे, स्पेशली मीर जाफर जिसने सारे फोर्सेस को ठीक से ऑर्गेनाइज कर रखा था, ये सब लड़े ही नहीं। मतलब इस हद तक कॉन्स्पिरेसी हो गई थी, इन सबों का ब्रेन वॉश कर दिया गया था रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू कि ये सब लड़े ही नहीं। तो वहाँ पे अल्टीमेटली जो सिराजुद्दौला था ना वो हार गया था। तो ये पहली विक्ट्री थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में। ओके, एंड इसके बहुत सारे आउटकम्स मिले हैं, वो उस पर हम लोग अभी बाद में जाएंगे। उसके बाद जब प्लासे में जब सिराजुद्दौला हार गया ना तो उसको असासिनेट कर देते हैं लोग और मीर जाफर को नवाब बना देते हैं लोग। अभी देखो प्रॉब्लम ये हो गई कि किसी को, कोई भी नवाब बन रहा है ना तो वो भी चाहता है, उसके भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं नवाब बन रहा हूँ, मैं किंग हूँ, सो मुझे कुछ चाहिए। ठीक है, मतलब उसकी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं किंग की तरह बिहेव करूँ। अब अगर सामने वाला कह रहा है कि नहीं मैं तुमको किंग बना रहा हूँ तो तुम मेरे हिसाब से रहोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। है पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल नहीं कि इसने कुछ किया ही नहीं। स्टार्टिंग में इसने भी कोऑपरेट करने की कोशिश की, बट एट द एंड इसको समझ में आया कि नहीं, ये इन लोगों की भूख जो है ना ब्रिटिशर्स की कभी शांत होने वाली नहीं है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो जो ये मीर जाफर था ना, ये उनके उम्मीदों पे बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पाया। एंड जो कंपनी थी ना वो रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेना चाहती थी किसी भी चीज़ की, उनको बस चाहिए था पैसे। उनको मतलब उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं मीर जाफर को उन्होंने कहा क्या रखा था कि मैं नवाब बनाऊंगा तो मैं मैकिंग बनाऊंगा, आप बस टाइम पे टैक्स पे करते रहना, हमें अपना प्रॉफिट से मतलब है, आपको जो मर्जी करो मुझे उससे मतलब नहीं है, हम बस आप वही करना जो हम कहेंगे। ठीक है, बट मीर जाफर एक टाइम के बाद ऐसा कुछ कर नहीं पाता है। तो उसके बाद में मीर जाफर को हटा करके ना मीर कासिम को वहाँ पे रिप्लेस किया जाता है। तो फिर मीर कासिम भी रिवोल्ट कर देता है, फिर मीर कासिम के साथ में इनका बैटल होता है, बैटल ऑफ बक्सर, जो 1764 में होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में उसमें मीर कासिम हार जाता है, तो फिर ये लोग वापस मीर जाफर को लेके आते हैं और मीर जाफर को कहते हैं कि देखो अब मैंने तुमको किंग बनाया है, अब तुमको हर महीने हमें 500,000 देने पड़ेंगे हर महीने रुपये। ठीक है, अभी क्यों ये 500,000 क्यों मांगे इन लोगों ने रुपये, क्योंकि जितने भी लॉसेस हो रखे थे ना ये वॉर से, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इन सब का जो खर्चा पानी था ना वो हमारे इंडियन रेवेन्यू से ही ये लोग चाहते थे, अपना बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे और अपना बस प्रॉफिट ये लोग चाहते थे। सो इन लोगों ने बोला मीर जाफर को कि हमने तुमको दोबारा से किंग बनाया है, आप कुछ ऐसी हरकत मत करना और हमें टैक्स चाहिए, हमें पेमेंट चाहिए, हमें रेवेन्यू चाहिए 500,000 हर महीने। ठीक है, बट उसके बाद आप देखोगे कि मीर जाफर को पहले से ही पता था कि यार ये सब मतलब इम्पॉसिबल चीज़ है, ऐसा हो पाएगा है नहीं, फालतू में मैं फंस जाऊँगा, बट वो बेचारा कुछ कर नहीं पाया। सो उसकी डेथ हो जाती है 1765 में। तो कंपनी को उसके बाद लगता है ना कि अगर वो लोग ऐसे, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को लगता है कि अगर ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे, पपेट नवाब बनाते रहेंगे, तो ऐसा कोई बनने वाला है नहीं, सबके सब रिवॉल्व कर देंगे। एट द सेम टाइम उन लोगों को ये समझ में आया ना कि अगर हमें यहाँ पे कुछ करना है तो हमें यहाँ पे पॉलिटिकल अपना कंट्रोल बनाना पड़ेगा। ओके, सो जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था ना तो उसके बहुत सारे आउटकम्स आए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। यहाँ पे बस मैंने 2 मिनट में समझा दिया है, ट्रस्ट मी इसमें प्रॉपर आधे एक घंटे लग जाएंगे जब मैं हायर क्लास का करवाऊंगी तब, 11th 12th का। ओके, मींस एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री में वो दे रखा है सब चीज़। तो 1765 में क्या होता है ना, बंगाल के जो प्रोविंस है ना वो कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, बंगाल प्रोविंस का जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको मिल जाते हैं दीवानी राइट्स। दीवानी इन द सेंस कि रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल जाता है इनको। अब ये जो मर्जी आए वो करते हैं, इनके अंदर बिल्कुल ही वो दया नाम की चीज़ नहीं होती कि कोई कोई भूखा या फिर कोई खा रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कुछ भी नहीं। इन लोगों को बस पैसे चाहिए होते हैं, पैसे नहीं है तो या तो वो एरिया कैप्चर कर लेंगे या फिर आपका वो जीना हराम कर देंगे। बस ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना ही आता था। अच्छा, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में ना एक और चेंजिंग हुई थी बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या हुआ था, पहले मैंने बताया था ना कि गोल्ड एंड सिल्वर के बेसिस पे ये लोग हमसे मसाले लेते थे एंड हम लोग इनका सोना एंड चांदी। अभी क्या हुआ बैटल ऑफ बक्सर में, इन लोगों ने सोना चांदी लाना ही बंद कर दिया। ये जो लोग ये ट्रेड किया करते थे ना इंडिया से, तो वो इंडिया के पैसे से ही, जो इंडिया में ट्रेड किया करते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसी पैसे से ये लोग मसाले खरीद रहे हैं और फिर वो यूरोप भेज रहे हैं। ठीक है, मतलब इंडिया का पैसा इंडिया में ही इन्वेस्ट हो रहा है, बाहर से कुछ आ ही नहीं रहा है और उल्टा उसका 50% नहीं बहुत सारा ज़्यादा परसेंटेज जा रहा है यूरोप में। तो बेसिकली वहाँ पर भी एक अच्छा खासा यूके से इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे।
और बैटल ऑफ प्लासी के बाद में, अच्छा इतना सब होने के बाद में ना कंपनी ऑफिशियल्स को लगा कि अब अगर हम लोग पपेट नवाब देखेंगे तो हम लोग देखते रह जाएंगे, हम लोग को खुद ही नवाब बन जाना चाहिए। मैंने बताया ना कि अभी वो लोग चाहते थे, उन लोगों को समझ में आ गया था कि अगर यहाँ पे कंट्रोल करना है तो पॉलिटिकल कंट्रोल यहाँ पे अपना बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उन लोगों ने ना बैटल ऑफ बक्सर के बाद में ही स्टार्ट कर दिया था चीज़ों में हमारे इंटरफेयर करना, जितने भी पॉलिटिकल चीज़ें थी हमारे मैटर्स थे उसमें ना इंटरफेयर करना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। बैटल ऑफ प्लासी के बाद में क्या हुआ था, जो एक्चुअल नवाब थे ना बंगाल के, उनको फोर्स किया गया अपनी सारी ज़मीन देने के लिए, फिर बहुत सारे पैसे देने के लिए उनको फोर्स करा गया कंपनी के ऑफिशियल्स को। बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, जिसने बैटल ऑफ प्लासी में जीत हासिल करी थी। रॉबर्ट क्लाइव, अच्छा यूरोपियंस का दिमाग इस हद तक गिरा हुआ था, मतलब इस हद तक वो सब पागल थे कि अपने ही लोगों से जल रहे थे। सुनो ये कहानी, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सुनो। जो रॉबर्ट क्लाइव थे ना, रॉबर्ट क्लाइव के साथ क्या हुआ, जब वो इंडिया में था ना, तो वो एक लिमिट से ज़्यादा पैसा अर्न करके गया था यूरोप। अब जब ये यूरोप में गया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इससे पूछा गया कि आपने इंडिया में क्या किया। इसलिए नहीं पूछा गया कि उन लोगों को इंडिया के लिए बहुत सारा सहानुभूति था कि हाँ आपने इंडिया में क्या किया, इंडिया को बर्बाद कर दिया, इसलिए नहीं। उन लोगों को ये जलस फील हो रहा था कि इसने इंडिया में इतना कैसे अर्न कर लिया, हम लोगों ने तो अर्न किया ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऑफिशियल्स आए थे ना रॉबर्ट क्लाइव के अलावा, ऐसा तो नहीं था कि बस रॉबर्ट क्लाइव आ रखा था। तो कुछ लोग थे जो प्लेग की वजह से मर चुके थे, उनकी डेथ हो गई थी, कुछ लोग थे जो उस हद तक अर्न नहीं कर पाए थे, बट ये जो रॉबर्ट क्लाइव था ना वो इंडिया से अच्छा खासा अमाउंट अर्न करके गया था, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसको जेलस की वजह से ना इसको बहुत ही ह्यूमिलिएट किया गया, इसको फिर काफ़ी सारी पनिशमेंट दे दी गई, एंड फिर उसके बाद में इसने खुद ही सुसाइड कर लिया। इसने सुसाइड किया या नहीं किया सुसाइड, इस बारे में भी थोड़ा सा डिबेट है क्योंकि ये अभी कन्फर्म नहीं है। इसको ऐसा कहा जाता है कि इसको मार दिया गया, बट यहाँ पर लिखा आपकी बुक में कि 1774 में इसने सुसाइड कर लिया था, ठीक है, इसी वजह से। उसके बाद में बात करते हैं कंपनी रूल एक्सपेंड। अच्छा देखो, 1757 से लेकर के 1857 तक ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपने रूल को ऑलमोस्ट यू कैन से ऑल ओवर इंडिया में एस्टैब्लिश कर चुकी थी, चाहे वो पॉलिटिकल देखो, इकोनॉमिक देखो, डिप्लोमेटिक तरीके से देखो। मतलब अगर वो लोग नेगोशिएशन से मानते हैं तो ठीक है, वरना ये लोग वॉर कर ही लेते थे। अदरवाइज अपनी जो वो डिप्लोमेटिक इनकी सोच थी ना, वो लोग अपनी डिप्लोमेटिक सोच लगा करके उस एरिया को जीत ही लेते थे। आप देखोगे अभी मराठास हैं, बहुत सारे जितने भी थे सबको इन लोगों ने जीत लिया था 1857 तक, ठीक है। क्योंकि एट द सेम टाइम 1857 में रिवॉल्ट हो गया था, आपने पढ़ा भी होगा रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे उसको। फिर बैटल ऑफ बक्सर के बारे में मैंने बता रखा था। उसके बाद में एक और भी चेंजेस हुई थी कि ये जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं ना, इन लोगों ने अपने रेजिडेंट अपॉइंट करना शुरू कर दिया कहाँ पे, इंडियन स्टेट में। रेजिडेंट मतलब कि उनका एक आदमी था जो हमारे इंडियन स्टेट में रहता था, मतलब हर प्रोविंस में रहता था, और वो आदमी जो था ना वो इनका पॉलिटिकल या फिर कॉमर्शियल एजेंट हुआ करता था। और उसका जॉब क्या था, हमारे मतलब उसका जॉब ये था ना कि अपने कंपनी के इंटरेस्ट को सिक्योर करके रखना था। बट एट द सेम टाइम ना, जब ये बहुत ज़्यादा होने लगा, एक्सट्रीम लेवल पे होने लगा, तो वही आदमी ना हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करने लगा। अब ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, किसी को भी पसंद नहीं आएगी कि हम यहाँ के राजा हैं और हमें हमारा दुश्मन बता रहा है कि हमें करना क्या है। तो वो चीज़ किसी को वैसे पसंद आई नहीं, तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत हुए थे। और वॉर से तो इन लोगों ने बहुत सारे स्टेट को जीत रखा था, बट उसके बाद में कुछ ऐसी इनकी डिप्लोमेटिक चाल थी जो बहुत ही वाहियात थी। जैसे कि कुछ पॉलिसीज थी, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, न्यू पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। इनको पता नहीं कौन सा शौक चढ़ा हुआ था, बस अपने आप को बढ़ाना है, मुझे समझ में नहीं आता ये लोग बढ़ा के करते क्या थे। क्योंकि वो लोग कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार थे नहीं, बस एरिया को बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, पॉलिटिकल कंट्रोल करना है, फिर लड़ाई करनी है, लोगों को इतना ही आता था, और अपना प्रॉफिट करवाना है। सो बेसिकली अब पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी था, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, और पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी वो लेके आए थे लॉर्ड वैरन हास्टिंग्स, ठीक है। मतलब इन्होंने जो बोल दिया वही सुप्रीम है। यहाँ पे लॉर्ड का स्पेलिंग गलत है, आप प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, LOTD नहीं LORD होता है। सो उन्होंने जो बोल दिया वही सुप्रीम है। इसको ये था पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये था कि जिसका भी कोई अपना बेटा नहीं है, मतलब कि अपना सगा बेटा नहीं है, आपने अगर किसी से अडॉप्ट किया है तो वो नहीं चलने वाला है आगे। अगर आपने किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है तो वो आगे आने वाले इस प्रोविंस का राजा नहीं बनेगा, फिर वो जो प्रोविंस थी वो हमारे अंडर में आ जाएगी, मींस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाएगी। ऐसी वाली कुछ इन लोगों की सोच वगैरह हुआ करती थी, ठीक है। ऐसे कुछ बहुत ही मेजर पॉलिसीज इनकी है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, क्लेम टू पैरामाउंसी, ऐसे भी। फिर उसके बाद सब्सिडियरी अलायंस था, ठीक है, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज थी जो इन लोगों ने लेके आए थे, बट मेनली यही तीन पॉलिसी है जिसकी वजह से इन लोगों ने डिप्लोमेटिकली चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, फिर ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया पे इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया। हम लोग रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं, तो ऐसा नहीं था कि अकेली वही वुमेन थी जिन्होंने सामना किया ईस्ट इंडिया कंपनी वालों का बिल्कुल ही ब्रेव तरीके से, ऐसा नहीं था, बहुत सारी लेडीज़ थी और भी ज़्यादा, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग, उन सारी लेडीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज अभी ना ये लेक्चर लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा।
एक और पार्ट आएगा इसका, तब तक के लिए हैव अ गुड डे अहेड। और एंड यस ऑफ कोर्स, ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था ना, इसको देखो, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, अवध, इन सबको, जितने भी यहाँ पे मैंने स्टेट बता रखे हैं ना प्रोविंस उस टाइम के, इन सबको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू ही कैप्चर किया गया था। ये क्या है कि आप जो यहाँ की जो भी रानी है, जो भी राजा है, उनका कोई अपना बेटा नहीं है, उनका कोई अपना खून नहीं है, उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में मैंने बताया ना, तो उनका भी अडॉप्टेड ही सन था, तो उनको, उनके साथ भी वॉर इसी वजह से हुआ था, बिकॉज जो इनका अडॉप्टेड सन था, उनको राइट नहीं मिला कि आप आगे जाके इस गद्दी पर बैठ पाओ। ठीक है, तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अभी आगे कुछ चीज़ें बची हुई हैं, एक बार टीपू सुल्तान को देखना है, फिर मराठास को देखना है। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, एंड हम लोग इसके आगे आगे आने वाले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ये मैप को देखो आप ज़रा, ये है ना, ये फर्स्ट वाला मैप जो है ना, ये 1797 का है। ठीक है, ये है 1797 का, ये है 1840 का, जस्ट अ मिनट, ये 1797 का, ये है 1814 का, और नॉट 14, 1840 का, एनी है 1857 का। सोचो जितने भी इन तीनों मैप्स में ना, जितने भी येलो एरियाज दिखा रखे हैं, वो पूरा का पूरा ब्रिटिश के कंट्रोल में था। देखो 1797 में कितना कम इन लोगों ने एरिया कैप्चर कर रखा था, बनारस, कलकत्ता, बहुत हो गया, हैदराबाद का जो इतना वाला एरिया है वो, फिर मैसूर, एंड उसके बाद में 1840 में देखो लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, हैदराबाद, मैसूर, गोवा, दिल्ली, बहुत सारी जगह पे कंट्रोल कर रखा था। और 1857 के बाद में तो भाई ऑलमोस्ट पूरा इंडिया इन लोगों ने कैप्चर कर रखा था। ओके, सो हमारा कुछ टॉपिक बचा हुआ है, आई थिंक 3-4 टॉपिक्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो हैव अ गुड डे अहेड।